खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 8 जुलाई है और दिन है शुक्रवार। आज सरसों के बाजार में और अच्छा सुधार देखने को मिला है। कॉटन बाजार डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सोयाबीन को लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन विस्तार से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों के बाजार में आज जो तेल के दाम भी बढ़े हैं और सरसों दाना के भाव भी बढ़ा है। करीब 150 रुपये से ज़्यादा का सुधार भरतपुर में देखने को मिला है। 100 रुपये तक जयपुर का बाज़ार सुधरा है। लगभग इतना ही दूसरी मंडियों के अंदर भी सुधार आया है, 100 रुपये से लेकर के 125 रुपये तक। सलोनी प्लांट ने मात्र 50 रुपये वृद्धि की है। कल हालांकि एक दिन के अंदर 150 रुपये उन्होंने बढ़ाए थे, आज भरतपुर सलोनी का भाव 7400 रुपये के स्तर पर आ गया है। अब यहाँ से सरसों को दूसरे जो विदेशी आयातित तेल है उनसे थोड़ा सा अलग करके हमें देखना चाहिए। विदेशी आयातित तेल का मामला बिल्कुल अलग है और ये सरसों जो घरेलू तेल है, जैसे मूंगफली का घरेलू तेल है, जैसे सोया सूरजमुखी का घरेलू तेल है, कॉटन का तेल है, सूरजमुखी तो खैर आयात भी होता है, तो इन तेलों में अब ज़्यादा मंदे की संभावना नहीं है। हालांकि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तरफा बाज़ार कभी नहीं चला करता है। ये जो बाज़ार अब दो दिन से सुधर रहा है और फिर से जयपुर का बाज़ार 7000 के करीब पहुंचना हुआ दिखाई दे रहा है, इसको कभी भी अगले हफ्ते के अंदर छोटा मोटा एक ब्रेक आ सकता है, क्योंकि इसका कारण प्रमुख ये रहेगा कि जैसे ही 7000 के आसपास का भाव आएगा या 7100 की तरफ बढ़ेगा तो एकदम बिकवाली बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि जिस तरह से पिछले हफ्ते में एक बड़ी गिरावट हमने देखी है 500-700 रुपये तक की, अगर वैसी गिरावट दोबारा आ गई तो मुश्किल हो जाएगी, अब भाव अच्छा है, माल बेच लेना चाहिए। तो ये किसानों की एक सोच बन सकती है। मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, गारंटी नहीं है कि ऐसा ही करेंगे लोग। तो उससे क्या होगा कि जब आवक एकदम बढ़ेगी मंडियों के अंदर तो थोड़ा सा ब्रेक आ सकता है। अदरवाइज पूरे सीजन के लिए अब मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी। थोड़ा थोड़ा करके अगर कुछ घटेगा भी तो उससे ज़्यादा बढ़ेगा और बढ़ते हुए बाज़ार तेज़ी की तरफ चलता हुआ दिखाई देना चाहिए अगले हफ्ते तक। मैंने इस हफ्ते में आपसे निवेदन किया था कि इस हफ्ते से ही सरसों में सुधार आना शुरू हो जाएगा और वो कल वीरवार से सुधार आना शुरू हो गया है। यही मैं एक्सप्लेन करता रहा हूँ विस्तार से विदेशी और आयातित और घरेलू तेलों के बारे में हमारे डेली बुलेटिन अखबार के अंदर बड़े विस्तार से उसके अंदर समीक्षा होती है और बड़े विशेषज्ञों की राय भी छपती है। खैर थोड़ी सी बात कर लेते हैं सोयाबीन की। तो सोयाबीन का बाज़ार आज थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में सुधार के कारण, जो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड होता है उसमें भी थोड़ा बाज़ार ठीक चला, TLC में भी थोड़ा सुधार हुआ, उस कारण से थोड़ा बहुत सोयाबीन का जो तेल है वो सुधरा और सोया प्लांटों ने सोयाबीन के दाम भी बढ़ाए। लेकिन गारंटी नहीं है कि सोयाबीन का जो बाज़ार जो सुधरा है थोड़ा बहुत वो इस पर कायम भी रहेगा, वो गिरावट की तरफ भी जा सकता है। अब जो सोयाबीन को सपोर्ट करने वाली चीज़ है वो केवल और केवल एक चीज़ है कि अब तक जो सोयाबीन की बिजाई हुई है खासतौर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में, जो ये प्रमुख सोयाबीन के उत्पादक राज्य हैं, यहाँ पर बिजाई कुछ कमज़ोर है और टोटल जो बिजाई आई है अब तक जो आंकड़े आए हैं 8 जुलाई तक के, आज तक के जो आंकड़े हैं उसमें 21% से अधिक जो है ज़्यादा पिछड़ गई है सोयाबीन की बिजाई। ये एक सपोर्टिव उसका कारण है, लेकिन आप जानते हैं कि सोयाबीन का जो बाज़ार है वो उसकी DOC पर निर्भर करता है। DOC का निर्यात जितना बढ़ता है उसी से बाज़ार का भाव जो है सुधार की तरफ आता है। तो सोयाबीन में कोई बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की संभावना भी फिलहाल नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट का भी कुछ असर पड़ता है। अमेरिका के अंदर अब आवक शुरू होने वाली है सोयाबीन की, कुछ राज्यों में, कुछ देशों के अंदर जैसे इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, वहाँ पर अब बिजाई शुरू हो सकती है, होने वाली है। तो इन चीज़ों का लेटर ऑन इफेक्ट पड़ेगा, उनका मानसून कैसा रहता है, उनका बरसाती सीजन कैसा रहता है, मौसम अदरवाइज वेदर कैसा रहता है, इन सब चीज़ों का फर्क भी पड़ेगा। कॉटन में अब कोई बड़ी संभावना, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, लगभग एक महीने से कह रहा हूँ कि अब कॉटन नीचे की तरफ ही जाएगा और कॉटन में आज भी 100 से 200 रुपये तक की गिरावट आई है। अभी विस्तार से बात करने का और समय, अभी आज की दिक्कत और है,
कल से प्रयास करेंगे कि पूरे विस्तार से बात की जाए। आज सरसों का भाव भरतपुर का खुला है 6526 रुपए, कल से 160 रुपए मान लीजिए तेज है। सलोनी आज 50 रुपए बढ़कर 7400 पर पहुंच गया है। जयपुर 6900 से 6925 रुपए बोला जा रहा है। दिल्ली 6650, खैरथल 6575, ग्वालियर 6350, खेरली 6630, गंगापुर 6631, धौलपुर 6350, अलवर 6600, बरवाला 6250, आदमपुर 6435, हिसार 6300, सिरसा 6380, दादरी 6400, नडबई 6526, रेवाड़ी 5900 रुपए से लेकर के 6371 रुपए तक का भाव है। सुमेरपुर 6750, गोलूवाड़ा 6065, एलनाबाद 6250, गंगानगर 6230, संगरिया 6341, मुरैना 6200, बारामंडी 6300, साधुशहर 6181, नौहर 6390, अबोहर 6275। नरमा आज सिरसा में बिका है 10051 रुपए और आदमपुर में 9900 रुपए और एलनाबाद में 9500 रुपए। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।